डीएचपीटी फर्टिलाइजर मशीन में लोड आप जो है 10 एम्पियर दे सकते हैं। जैसे मैं 10 एम्पियर दे के बताता हूँ, यह 10 एम्पियर पे है, इसकी आवाज़ से समझ सकते हैं। जैसे ही 11-12 होता है इसका आवाज़ गड़बड़ होने लगता है, तो इसके आवाज़ को सुन करके भी आप लोड दे सकते हो। ऐसा नहीं कि ये 3 HP का है तो आपको 10 या 12 से ही चलाना है, इसका आवाज़ को भी परखना पड़ेगा, ठीक है। दरअसल आवाज़ का ही सुन करके आप लोड का भी निर्णय कर पाएंगे। अगर आपका 5 HP का है तो 15 से 17 एम्पियर तक लोड देंगे और इसका आवाज़ भी आपको सुनना पड़ेगा कि आवाज़ किस तरीके से ये आ रहा है। आवाज़ इसका जब ज़्यादा लोड पे रहता है तो इसका आवाज़ थोड़ा अलग तरीके का हो जाता है। चलाते चलाते आपको अभ्यास हो जाएगा तो आपको समझ में आने लगेगा। देख लीजिए 11 पे चल रहा है, इसका आवाज़ अभी कुछ अलग है। और जैसा ही खाली होता है इसका चैम्बर का अनाज, तो इसका आवाज़ में बदलाव हो जाता है। तो चलाते चलाते आवाज़ से भी आपको अंदाज़ा आ जाएगा। वैसे स्पीड अच्छी है 3 HP की मशीन में है, देख लीजिए। दरअसल मैंने इसमें जो है 4 नंबर की जाली लगा रखा है और मैं 4 नंबर की जाली से पीस कर आटा खाता हूँ, थोड़ा मोटा, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। मोटा मोटा रोटी, मोटा आटा का जो है ना, उसका ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता है और उसका जो है ज़्यादा गर्म नहीं होने के वजह से उसमें जो सत्व होता है, पोषक तत्व होते हैं, वो ख़राब नहीं हो पाता है। वैसे आप 3 नंबर या 2.5 नंबर की जाली भी यूज करते कर सकते हैं, लेकिन मैं सीधा 4 नंबर की जाली से पीसता हूँ। देख सकते हो हमारा घर के खाने के लिए मैं पीस रहा हूँ, तो मैं 4 नंबर की जाली लगाकर 10 एम्पियर से पीसना शुरू कर देता हूँ आटा में, तो काफ़ी अच्छा आटा स्वादिष्ट बनता है। एक बार मोटा आटा खा के ट्राई ज़रूर करना आप लोग किस तरह लगता है, ठीक है।